चलिए अब आप बात देश में प्रदूषण के कहर की। दिल्ली से लेकर मुंबई तक जहरीली हवा का शिकंजा कसता चला जा रहा है। ये जहरीली हवा कितनी खराब है, ये हमारे युवाओं को किस तरह प्रभावित कर रही है, युवाओं पर प्रदूषण के असर को लेकर एक रिसर्च सामने आई है। ये रिसर्च क्या कहती है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। इससे परेशान तो होता है आदमी का, हेल्थ का इशू होता है। यहाँ पे थोड़ा जो वातावरण है और क्लाइमेट है थोड़ा सा प्रदूषण है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई का और क्लाइमेट का थोड़ा सा चेंजिंग चाहिए। और यहाँ धूल और मिट्टी रोड पे, वो थोड़ा साफ सफाई का, और आँख में थोड़ा आँख में जलन होता है, उससे बीएमसी को थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्डिंग का और ये सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके वजह से बहुत तकलीफ हो रही है धूल के वजह से, मिट्टी है। मैं सुबह और शाम को दो टाइम वॉक में आता हूँ। मैं वॉक का तो बात छोड़ो, लेकिन ये जो पब्लिक इधर आ रहे जा रहे उनको भी बहुत तकलीफ होती है। मुंबई के वडाला इलाके का वीडियो भी जुदा नहीं, यहाँ भी प्रदूषण का शिकंजा कसा हुआ है। जब मुंबई में ये हाल है तो जरा सोचिए कि दिल्ली में क्या होगा। दिवाली के पहले गैस चैम्बर बनी हुई है दिल्ली। अक्टूबर में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से ऊपर है। बताया जा रहा है कि अगले दो तीन दिन दिल्ली में हवा और खराब हो सकती है। कि शनिवार से हवाएं नहीं चल रही हैं। वायुमंडल में जो धुआं है वो स्थिर जस का तस बना हुआ है। पराली जो जलने की घटनाएं हैं वो हो रही हैं। पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब, दूसरे इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर काफ़ी बड़ी मात्रा में पराली जो जलाई जा रही है, उसका असर दिल्ली की भी आबो हवा पर पड़ रहा है। और दिल्ली सरकार के मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अगले 10 से 15 दिन दिल्ली की आबो हवा के लिए बेहद चिंताजनक हो सकते हैं। जो आज रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, हवा नहीं चलेगी, जो पॉल्यूशन का लेवल है जस का तस बना रहेगा, जो धुएं का गुबार दिल्ली के वायुमंडल पर छाया हुआ है वो जस का तस बना रहेगा। पॉल्यूशन को लेकर सबसे बड़ा सवाल हेल्थ को लेकर है। रिसर्च में पॉल्यूशन से युवाओं पर मंडराते खतरे की बात कही जा रही है। वायु प्रदूषण युवाओं को भी बीमार कर रहा है। एयर पोल्यूशन युवाओं को हाइपरटेंशन का शिकार बना रहा है। प्रदूषण की वजह से युवाओं में दिल की बीमारी का खतरा बढ़ गया है। साफ है कि प्रदूषण की वजह से देश का बहुत कुछ दांव पर है। साइलेंट किलर प्रदूषण देश की बड़ी आबादी को बीमार कर रहा है। और चिंता की बात यह है कि इस मुद्दे पर अभी भी सिर्फ बातें ही हो रही है, इसके प्रकोप को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए
न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।